हेलो फ्रेंड्स हाय नमस्ते कैसे हो आप सब आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और कैसे हो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा तो अभी यहाँ पे जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा था तो मैं सारा बिस्तर वगैरह जो है उठा देती हूँ और ये जो है थर्सडे का क्लिप है और यहाँ पे डुगू तो डुगू का जो है अभी भी, भी तबीयत ठीक नहीं हुआ है तो इसका मुना सूख गया है अभी आप देख सकते हो ये बिस्कुट मैंने दिया है इसको सुबह सुबह खाने के लिए तो ये नहीं खा रहा है और यहाँ पे ये यह खाट है तो खाट को मैंने साइड कर दिया है और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही तो ये झाड़ू अभी आप देख सकते हो ये झाड़ू ना यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ही झाड़ू होते हैं क्योंकि ये सब झाड़ू ना जंगल से जो है निकाल के लाते हैं और फिर एक साल के लिए ना बहुत सारा लाते हैं एक ही बार मतलब जिस महीने लाने का सीज़न रहता है ना तब ले आते हैं और साल भर के लिए ना ये झाड़ू जो है रख देते हैं और ये जो है ये मेरी ननदी लगती हैं तो मेरी चाची सास की बेटी है तो अभी ये आई थी हमारे यहाँ पे और यहाँ पे ये देखिए और ये ना यहाँ पे मैं गोबर एक पतीले में ना मैं गोबर अभी मैं डाल देती हूँ और उसको अच्छी तरह से ना मिला लेती हूँ और अभी इसी से जो है मैं घर निपने वाली हूँ तो अभी ये देखिए और ये साइड साइड जो मैंने इससे नीपा है ना तो ये साइड वाला जो है मैं ये सफ़ेद वाला जो मिट्टी होता है ना तो उससे मैं नीप लेती हूँ पहले और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं ये गोबर से नीप लेती हूँ पूरा घर का और ये घर जो है मिट्टी का है तो ये घर ना बहुत ही ज़्यादा ना काला हो गया था तो मेरी सासू माँ जो है लकड़ी से कोयला से ही खाना बनाते हैं और गैस भी है तो लकड़ी कोयला ज़्यादा से बनाते हैं तो पूरा घर ना, ना काला काला हो गया था तो हमने क्या किया जिस दिन आए ना उस दिन ही जो है चून से पूरा घर को ये पूरा घर को पुताई कर दिए थे तो फिर चून का वैसे देख सकते हो और उतना पूरा कालापन ना गया नहीं है इस घर में तो फिर काला काला है ये है बहुत सारा और यहाँ पे मैं पूरा घर को नीप लेती हूँ गोबर से और उसके बाद ना एक बार जो है घसते हैं ऊपर से तो इसको घसने से ना जितना ये काला मतलब और काला दिखने लग जाता है घर तो अच्छा होता है तो वही मैं नीप लेती हूँ उसके बाद जो है एक बार घस देती हूँ तो ये जो है हमारा किचन है तो यहीं पे हमारा खाना बनता है और यहाँ पे सासू माँ और ससुर जी रहते हैं तो यहाँ पे चौकी बिछा हुआ है एक और यहाँ पे फिर मैंने ये घस दिया है पूरा घर को और फिर यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो ये देखिए ये वाला झाड़ू यहाँ पे है तो उस घर में एक और झाड़ू था सब घर में ना अलग अलग जो है ऐसे ही झाड़ू रखा हुआ है तो झाड़ू का यहाँ पे ख़रीदने की जरूरत नहीं पड़ता है ये ही झाड़ू जो है जंगल से लाते हैं ना तो काम आ जाता है तो ये देखिए अभी मैं घर को नीप लेती हूँ उसके बाद झाड़ू भी लगा देती हूँ और देखिए सारा ना ये घसी थी ना मैं एक बार तो ये सारा कचला जो है निकल गया नहीं तो फिर न, मैं पहले ही झाड़ू लगा लेती उसके बाद जो है घर को नीपी थी और घसने से ही ज़्यादा जो है कूड़ा निकल जाता है तो फिर ये मैं झाड़ू लगा देती और उसके बाद जो है मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर नहाने जाएंगे तो ये सब करते करते ना आठ बज गया था उसके बाद जो है हम लोग नहाने जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए सासु माँ है ये तो यहाँ पे ये चावल है कच्चा चावल तो उनको धो रहे हैं कच्चा चावल को तो आज त्यौहार है तो गौरैया त्यौहार बोला जाता है तो वहाँ पे चावल धो रहे हैं इसका जो है अभी इसको धो के रख देंगे और इसका पानी सब निकल जाएगा ना तो फिर इसको कूटेंगे मतलब ढेकी होता है ना ढेकी कूटने वाला पुराने ज़माने में होता था ढेकी कूटने वाला तो अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको बाद में और यहाँ पे मैं लंच बना रही थी तो लंच में ना मैं जो है दाल चावल और आलू पालक की भुजिया बनाई थी और यहाँ पे ना मुझे जो है ब्रेकफास्ट बनाना नहीं पड़ता है क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुरमुरे जो होते हैं ना तो सासू माँ जो है घर में ही भूनते हैं खाने के लिए तो वो हो जाता है मुरमुरे के साथ मतलब वो मिक्सचर वगैरह होता है ना तो उनके साथ जो है बच्चे खा लेते हैं तो फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ एक ही बार नहा के आके और खाना डायरेक्ट लंच बनाती हूँ तो वही लंच में भी बना रही हूँ और ये मैं दाल छोंक रही हूँ तो इसमें जो है नॉर्मल मैंने ये तेल और जीरा और मिर्ची से छोंक देती हूँ और यहाँ पे ये दीवार देख रहे हो ना आप मेरे पीछे तो काला फन्ना गया नहीं है चून से मैंने पुताई किया है फिर भी नहीं गया है तो हमने पता ही किया था और यहाँ पे ये देखिए इसको ना ढेकी बोलते हैं तो वो चावल जो धो रहे थे ना तो वो चावल का पानी जो है बिल्कुल सूख गया था और यहाँ पे अभी ये इसमें डाल देते हैं चावल और पुराने ज़माने में ना इसी से जो है मिक्सर वगैरह नहीं होता था तो इसी से ना अपना जैसे चावल पीसना चावल भी कूटते थे जैसे धान से निकालते थे चावल और आजकल तो फिर भी मशीन निकल गया है धान निकालने धान का चावल बनाने वाला और यहाँ पे ये यह ढेकी आजकल मिक्सर भी निकल गया है तो अभी मिक्सर यहाँ पे हम लोग के पास नहीं है तो इसी से ढेकी से ही पीसते हैं और मिक्सर त्यौहार आज का त्यौहार के दिन ना ढेकी से ही कूटा जाता है तो मिक्सर का पिसा हुआ ना नहीं चलता है तो फिर ये पूजा के लिए मेरी सासू माँ जो है वो बना लिए थे और अभी मैं जो है बाकी के जो जितने बचे ना उतना जो है मैं अभी इसको छलनी से छन छान देती हूँ और मेरे ससुर जी हैं उधर तो वो जो है ढेकी को चला रहे हैं मतलब कूट रहे हैं और मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं है तो जिस तरह हाथ वहाँ पे चलते रहता है ना तो उस तरह जो है वो सासू माँ जो है हाथ डाल के निकाल लेते हैं और मेरा प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मैं ना नहीं डाल पाती हूँ तो बस जितने ये बचे हैं फिर मैं ये छान के छान के इसको मैं अभी ले जाऊँगी और पूजा के लिए तो सासू माँ ले गई हैं तो वो अभी पूजा के लिए रोटियाँ बनाएंगे और यहाँ पे ये देखिए ये सोलह सिंगार जो मैं सासू माँ के लिए ली थी ना तो करवा चोट पे जो मैंने लिया था ना सोलह सिंगार वही है और दो साड़ी है और दो पेटीकोट है तो मैं अपनी सासू माँ को अभी दूंगी और यहाँ पे ये दो बच्चे हैं तो मेरी चाची सास है तो उनके बेटा की बहू के दो बच्चे हैं एक छोटी सी बच्ची है और एक बेटा है तो उनके लिए भी हम लोग जो है ये कपड़ा लाए थे तो उनको अभी दे देंगे और यहाँ पे ये देखिए ये सासू माँ जो है पूजा के लिए रोटियाँ बना रहे हैं तो ये गुड़ से बना रहे हैं और घी है तो ये कढ़ाई जो अभी आप देख रहे हो ना तो ये तला हो तलने वाला ही कढ़ाई है और यहाँ पे ये देखिए घी से और चावल का आटा और इन्होंने गुड़ दिया है और फिर गर्म पानी दिए हैं और उसके बाद मिला के और अभी ये पूजा के लिए रोटियाँ पहले बना लेंगे घी में जितना बनेगा ना उतना जो है ये बना देंगे और फिर बाकी खाने के लिए फिर ये भी खाने का होगा तो इतना जो है पूजा के लिए नहीं बन रहा है ये बस बाद में खाते भी हैं तो घी में जो रोटियां बनती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और फिर बाद में जो है रिफ़ाइंड से तलेंगे और ये देखिए ये छोटी सी बच्ची है तो इन्हीं के लिए जो है हम लोग कपड़े लाए थे और और इनका एक भाई है तो उनको अभी ये पहना रहे हैं कपड़े और इनको जो है मैं पहना देती हूँ तो बहुत प्यारी सी बच्ची है तो इनका भी शायद दो महीने नहीं हुए हैं दो महीने होने वाले हैं और ये जो है डगू से छोटा है तो ये डगू से काफ़ी छोटा है शायद दो साल का तो ये इनको कपड़ा पहना देते हैं और यहाँ पे ये देखिए तो ये इनको मैंने गोदी लिया है और यहाँ पे ये डगू है और ये ना दादी जी है हमारी तो ये नमस्ते बोल रहे हैं और ये देखिए ये भी दादाजी हैं तो यहाँ ये सब ना जो है ये मतलब साधु होते हैं ना तो साधु हैं तो तिलक वगैरह करते हैं और दोनों जने मेरे दादी जी भी और मेरे दादाजी भी तो दोनों जने तिलक करते हैं और लहसुन प्याज मीट मछली ना बिल्कुल भी ये नहीं खाते हैं तो अपना जो है ये सब अलग खाना बना के खाते हैं और ये देखिए यहाँ पे जो है पूजा के ये सामान है तो यहाँ पे रोटियाँ रख लेते हैं कच्चा दूध रख लेते हैं धूप वगैरह रख लेते हैं और यहाँ पे ये गाय और बैल का ये घर है तो यहाँ पे पूजा और आज जो पूजा होता है ना गौरैया पूजा तो ये गाय का और बैल का ही पूजा होता है तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है और भीगा कपड़ा से हमारा जो नियम है और ये पूजा ना जेंट्स ही करेंगे और भीगा कपड़ा पहन के ही करेंगे तो ये मेरे ससुर जी हैं तो अभी यहाँ पे ये गाय और बैल जहाँ रहते हैं ना तो वहाँ पे पूजा कर लेते हैं और फिर उनको अभी बहुत सारे मतलब इनका क्या क्या नियम रहता है तो उतना मुझे नहीं पता है और एक ऊपर उठा के ना चढ़ाया जाता है कुछ भी चीज़ सॉरी मेरा कहने का मतलब एक पैर ऊपर करके ना कुछ भी चीज़ जो है चढ़ाया जाता है और अभी यहाँ पे पूजा हो गया था तो ये गाय और बैल वाला रूम में और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं तुलसी जी के जहाँ ये पेड़ है तो पौधा मतलब मंदिर है तुलसी जी का तो यहाँ पे तुलसी पीड़ा इसको बोला जाता है तो तुलसी पीड़ा है उसके ऊपर से तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है तो यहाँ पे मतलब सात भाई है ना जैसे मेरे ससुर जी सब सात भाई है तो उनके ना यहाँ पे ये यह तुलसी पीड़ा जो है सबका है और यहाँ पे मतलब छोटे छोटे गली है बहुत सारे गली मिलेंगे आप सबको तो वहाँ पे पूरा चढ़ा अभी चढ़ा लिए थे पूजा हो गया था उसे नहीं 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 नहीं। रोटी वगैरह का तो उसके बाद जो है ये वाला अभी आप देख सकते हो ये सफ़ेद सफ़ेद जो है ना तो इसमें भिंडी मिलाए हैं और चावल का आटा मिलाए हैं और इसको अच्छी तरह से ना मिला के और यहाँ पे अभी ये इस तरीके से डिजाइन बनाते हैं तो जिनका, जिनका जिनका जहाँ पे दरवाजे हैं ना तो वहाँ पे वो लगा देते हैं और यहाँ पे ये मनीषा तो ये सिंदूर का टीका लगा देती है तो यहाँ पे टीका लगाना होता है तो मनीषा को नहीं पता था तो चप्पल पहन के भी नहीं लगाते तो ये चप्पल पहन के भी लगा रही है शायद याद नहीं होगा सासू माँ को और यहाँ पे फिर ये देखिए और ये सफ़ेद सफ़ेद जिनके जिनके दरवाजा है ना तो सब जो है अपने अपने दरवाजे के आ, आगे ये करते हैं और यहाँ पे ये आए थे ढोल वाले तो मांगने के लिए तो पूजा के बाद ना रोटियाँ जो है मांगने आते हैं और यहाँ पे फिर मैं ये बाद में ना जो बची थी जितना रोटियाँ तो वो भी मैं बना देती हूँ तो इसमें और थोड़ा सा घी डाल देती हूँ और उसी से मैं ना सारा जो है ये रोटियाँ बना देती हूँ तो ये वाली रोटियाँ जो है मैं लकड़ी में थोड़ा सा जो है इसमें मैंने ये डाल दिया था क्या बोलते हैं मिट्टी का तेल और उसके बाद जो है मैं लकड़ियाँ जलाती हूँ तो सासू माँ क्या करती है ना एक पन्नी रहता है ना तो पन्नी से भी वो जला लेते हैं और मुझसे नहीं जला था तो मैं ट्राई भी की थी एक बार तो फिर पन्नी से नहीं जला क्लोथिन से तो फिर मुझे ना थोड़ा सा जो है मट्टी का तेल डालना पड़ा और उसके बाद जो है जल गया तो ये देखिए इतने सारे रोटियाँ जो है मैंने बनाए तो यहाँ पे ना अभी जो है रात का टाइम हो रहा था और अभी मतलब गाय और बैल को ना ये दूध ये दूध घास बोलते हैं इसको तो दूध घास है और अरो ये कच्चा चावल है और इसके बाद जो है कुछ धान की ये कलिया है तो ये सब डाल के ना इससे जो है इन, उसको खेती जब करते हैं ना तो वो सब चलाते हैं तो वही है तो इनको पहले पूजा करेंगे और उसके बाद गाय को और बैल को पूजा करेंगे तो खेती करने के टाइम में उसको हार बोला जाता है तो हम लोग में आप सब पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता तो हार को और ये ज्योति है तो इसको भी पूजा करते हैं और धान की कलिया से ना गाय को और बैल को जो है अभी चुमाएंगे तो पहले ये आटा ये चावल है मतलब चावल का आटा है तो इनको थोड़ा सा जो है अभी सारे गाय को और बैल को उसके ऊपर जो है दे देंगे तो सिंदूर का टीका भी लगाएंगे और सारे गाय को और बैल को पूजा कर लेंगे तो चलिए इस वीडियो को मैं ही पेंड करती हूँ तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर से